तो हम लोगों ने समझ लिया कि पॉलिनेशन क्या है. व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पेस्टिल और कार्पेल. इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलिनेशन. और हम लोगों ने ये भी समझ लिया है कि ये जो पॉलिन का ट्रांसफर है वो एक ही फ्लावर में हो सकता है, या फिर एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स में हो सकता है, या फिर दो डिफरेंट फ्लावर्स में हो सकता है. तो मैंने ये बताया आपसे कि पॉलिन ग्रेन या पॉलिन्स का ट्रांसफर विद इन द फ्लावर हो सकता है, या एक पर्टिकुलर प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में हो सकता है, या फिर दो अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट दो अलग अलग फ्लावर्स में भी क्या हो सकता है, पॉलिन का ट्रांसफर हो सकता है. मेरे कहने का मतलब ये है कि पॉलिनेशन में जो पॉलिन टेक पार्ट कर रहे हैं उनका सोर्स डिफरेंट हो सकता है. उनका सोर्स क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है. सेम फ्लावर सेम प्लांट हो सकता है, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स हो सकते हैं. द मीन इज दैट कि सोर्स जो है वो पॉलिन्स का क्या हो सकता है? डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है. और इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिन, हम लोगों ने पॉलिनेशन को दो मेन टाइप्स में क्या किया था, डिफाइन किया था. अगर प्लांट सेम हो तो पॉलिनेशन को हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. अगर प्लांट चेंज हो जाए, दो अलग अलग प्लांट्स में दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में क्या हो रहा है, पॉलिन का ट्रांसफर हो रहा है, तब पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन. और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन. तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिनेशन को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन तब बोल सकते हैं जब कम से कम सेम हो क्या, प्लांट. तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि सेम होना चाहिए प्लांट, तब हम पॉलिनेशन को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन. अब इसमें भी दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक कंडीशन तो ये कि सेम प्लांट हो और फ्लावर भी क्या हो, सेम हो. तो कंडीशन क्या हो गई, सेम प्लांट सेम फ्लावर, तब मैं पॉलिनेशन को एक स्पेसिफिक टर्म दे रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा ऑटोगैमी. अब मैं इसको बोल रहा हूं ऑटोगैमी. तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर प्लांट सेम हो तब पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई. एक ही प्लांट हो, सेम प्लांट हो, तब पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन. अब इसमें दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन के लिए मैं बात कर रहा हूं तब की जब प्लांट सेम हो और फ्लावर भी सेम हो. मतलब मेरे कहने का यह है कि इफ फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ऑन पॉलन, अगर खुद का पॉलन खुद के ही स्टिग्मा पे लैंड करे फ्लावर के, तब मैं ऐसे पॉलिनेशन को बोल रहा हूं ऑटोगैमी. यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है ऑटो. तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. खुद का पॉलन खुद के ही स्टिग्मा पे लैंड करे फ्लावर में, तब हम पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी. इतना समझ में आया, इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगैमी. तो एक कंडीशन हमने याद करी, सेम प्लांट सेम फ्लावर, पॉलिनेशन को बोलेंगे ऑटोगैमी. तो सोच करके आप बताइए कि ऑटोगैमी कब होगी. तब ऑटोगैमी का मतलब क्या है, इफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन, इफ द पॉलन विल ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तब हम क्या बोल रहे हैं पॉलिनेशन को, सेल्फ. और उसमें भी क्या बोल रहे हैं, ऑटोगैमी. यानी कि ऑटोगैमी हम तब बोल पा रहे हैं जब एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर के बीच में क्या हो रहा हो, पॉलिनेशन हो रहा हो. जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये फ्लावर प्लांट है या फ्लोरल एक्सिस है, यहाँ पे मान लीजिए एक ये फ्लावर प्रेजेंट है और ये फ्लावर ऐसा है कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है, तभी तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि इस मेल पार्ट से एंथर से इस फीमेल रिसेप्टिव सर्फेस पे क्या लैंड करे, पॉलन ग्रेन लैंड करे. यानी हम ये कह रहे हैं कि ऑटोगैमी हो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए कि यहां पे फ्लावर में प्रेजेंट होना चाहिए बाई सेक्सुअलिटी. क्या होना चाहिए? बाई सेक्सुअलिटी होना चाहिए.
तभी तो पॉलिनेशन कौन सा हो सकता है, ऑटोगैमी। अगर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तभी ऑटोगैमी हो सकती है, कम से कम एक शर्त तो ये फुलफिल होनी चाहिए। द मीन इज दैट फ्लावर मस्ट हैव बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों प्रेजेंट होने चाहिए तभी इसमें पॉलिनेशन कौन सा हो सकता है, ऑटोगैमी। लेकिन सिर्फ बाइसेक्सुअलिटी ही सफिशियंट नहीं है, केवल बाइसेक्सुअलिटी ही काफी नहीं है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना मतलब ये अश्योर कर रहा है कि इसमें ऑटोगैमी ही होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में दो तरीके के फ्लावर्स होंगे, एक फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिस्टो गैमस फ्लावर। तो क्लिस्टो गैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं विच डू नॉट ओपन एट ऑल, तो इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, यानी कह सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑटोगैमी ही होगा और दूसरी कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती है। यानी कि क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स आर दोस फ्लावर्स व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल एंड दे प्रोड्यूस अश्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। यहाँ पे पॉलिनेटर्स के ना होने के बाद भी ये सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी के थ्रू अश्योर सीड सेट प्रोड्यूस करेंगे, ये तो हो गई अलग बात। लेकिन इसमें दूसरे तरह का भी फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, विच एक्सपोजेस देयर स्टिग्मा एंड एंथर्स, जो अपने स्टिग्मा एंड एंथर को एक्सपोज कर देते हैं यानी कि ओपन हो जाते हैं, इसको मैं बोल रहा हूं कैस्मोगैमस फ्लावर, इसको मैं बोल रहा हूं कैस्मोगैमस फ्लावर। और कैस्मोगैमस फ्लावर अपने स्टिग्मा और एंथर्स को एक्सपोज कर देते हैं, यानी कि ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिसे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो, यानी कि एंथर और स्टिग्मा दोनों हो, और वो नहीं ओपन होंगे कभी तो क्लिस्टोगैमी होगी वहां पे, और अगर ये ओपन होंगे तो कैस्मोगैमी होगी, यानी कि कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा क्या हो जाते हैं, एक्सपोज कर देते हैं अपने स्टिग्मा और एंथर्स को, स्टिग्मा और एंथर्स को। तो इसमें तो डेफिनेटली ऑटोगैमी होगी, लेकिन कैस्मोगैमस फ्लावर्स हैं जो जिसमें स्टिग्मा और एंथर जो है वो एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट में। तो अगर स्टिग्मा और एंथर दोनों एक्सपोज्ड हैं, खुले हैं वातावरण में या एनवायरनमेंट में, तो एंथर से पॉलन रिलीज होकर के कहीं भी जा सकता है, विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या किसी दूसरे एजेंट के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, या फिर वी के थ्रू, या किसी भी इंसेक्ट के थ्रू, कहीं भी जा सकता है। हो सकता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करे, और भी चांसेस हैं, और भी पॉसिबिलिटी हैं कि अगर एक्सपोज है दोनों चीजें एंथर और स्टिग्मा, तो स्टिग्मा पे दूसरे सोर्स से भी पॉलन ग्रेन आकर के लैंड कर सकते हैं, और इस फ्लावर के एंथर से पॉलन कहीं दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो कैस्मोगैमस फ्लावर में टू इंश्योर द ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पे दो स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होनी ही चाहिए। एक स्पेशल मैकेनिज्म तो ये कि जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स हैं इसमें एक सिंक्रोनी प्रेजेंट होनी चाहिए इन देयर पॉलन रिलीज ऑफ पॉलन में एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहां पे ग्रेट सिंक्रोनी प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसे फ्लावर्स जो कैस्मोगैमस फ्लावर हैं, जो ओपन हो जाते हैं, जो अपने स्टिग्मा और एंथर को एक्सपोज कर देते हैं एनवायरनमेंट में ड्यूरिंग इट्स मैच्युरेशन, इसमें ऑटोगैमी हो, इसके लिए जरूरी है कि यहां पे सिंक्रोनी होनी चाहिए, यानी कि सिंक्रोनस अरेंजमेंट होना चाहिए किसमें, यानी कि इसमें सिंक्रोनी होनी चाहिए पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। इसका मतलब आप ध्यान से समझिए कि ऐसे फ्लावर जिसमें स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज्ड हैं, तो एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करे, इसके लिए जरूरी है कि यहां पे जिस टाइम पे पॉलन रिलीज हो रहा है, पॉलन ग्रेन जिस टाइम पे रिलीज हो रहा है, यानी कि जब डेसेंस हो रहा है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, उसी टाइम पे ये जो फीमेल पर्टिकुलर पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी मैच्योर हो, यानी कि इसका जो स्टिग्मा है जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रहा है फॉर द पॉलन, ये भी रिसेप्टिव हो, यानी कि वो उसको रिसीव करने के कैपेबल हो, तभी जाकर के इंश्योर होगा सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी, कंडीशन नंबर वन। ये तो एक कंडीशन है कि कैस्मोगैमस फ्लावर जहां पे एक्सपोज है एंथर और स्टिग्मा, वहां पे सिंक्रोनी होनी चाहिए पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी पे। जब पॉलन रिलीज हो उसी टाइम पे क्या होना चाहिए,
जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव होना चाहिए, उसको रिसीव करने के लायक होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे शायद कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मैच्योर हो एट द सेम टाइम। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन शुड मैच्योर एट द सेम टाइम। ये एक टाइम पे क्या होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए, और उसी टाइम पे गैमेट्स भी प्रोड्यूस होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कौन सी कंडीशन की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंडीशन की जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज होमोगैमी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, होमोगैमी होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे ये कि पहली चीज तो सिंक्रोनी होनी चाहिए पोलर रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में, और होमोगैमी होनी चाहिए, और यहां पे बोथ स्टिग्मा एंड एंथर्स शुड लाई वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास होने चाहिए। तो एक टाइम पे बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट मैच्योर हो, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तब पॉसिबिलिटी बनती है ऑटोगैमी की। लेकिन सिर्फ बाइसेक्सुअल होना ही काफी नहीं है, हमने कहा बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ सिंक्रोनी होनी चाहिए, सिंक्रोनी होनी, अगर कैस्मोगैमस है तो सिंक्रोनी होनी चाहिए किसमें, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। होमोगैमी होनी चाहिए कि दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही टाइम पे मैच्योर हो, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेम टाइम पे प्रोड्यूस हो यानी कि मैच्योर हो। और तो और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे कि स्टिग्मा और एंथर्स को बहुत क्लोज रहना पड़ेगा, दे शुड लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत पास प्रेजेंट होंगे, तभी जाकर के पॉसिबिलिटी होती है कि उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो एंथर्स से रिलीज हो रहे हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करें। तो मैंने आपको बताया कि अगर पॉलिनेशन में प्लांट सेम है तो सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें पहली कंडीशन हमने आपको बताया कि प्लांट सेम हो और फ्लावर सेम हो तो ऑटोगैमी, और ऑटोगैमी की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि बाइसेक्सुअलिटी होना चाहिए यहाँ पे। बाइसेक्सुअलिटी में मतलब कि फ्लावर के पास बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होने चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होने चाहिए, तभी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो सकता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी ऑटोगैमी हो सकती है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर दो तरीके के होंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जिसमें ऑटोगैमी ही होगी, सिर्फ केवल एक मैकेनिज्म होगी पॉलिनेशन की, ओनली ऑटोगैमी विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूसेस अश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, ये तो इनका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। दूसरे तरीके के बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं व्हिच एक्सपोजेस देयर स्टिग्मा एंड एंथर्स इन एनवायरमेंट, एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड कैस्मोगैमस फ्लावर। एंड कैस्मोगैमस फ्लावर में जो ऑटोगैमी है, इस ऑटोगैमी के होने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, एक तो यहाँ पे ग्रेट सिंक्रोनी प्रेजेंट होनी चाहिए इन द पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, और जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो एट द सेम टाइम प्रोड्यूस होने चाहिए यानी होमोगैमी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि स्टिग्मा एंड एंथर शुड लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास होने चाहिए, तभी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी बनती है या पॉसिबिलिटी बनती है। अदरवाइज ऐसे प्लांट, ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कैस्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, इन सच फ्लावर्स कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर, यहाँ पे कंप्लीट ऑटोगैमी बहुत रेयर हो जाएगी, बहुत लेस प्रोबेबिलिटी या चांसेस होंगे कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि सेम प्लांट होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट सेम फ्लावर होगा तो ऑटोगैमी, सेम प्लांट होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट सेम फ्लावर होगा तो ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी का मतलब यह है कि फ्लावर विच पॉलिनेटेड बाई इट्स ऑन पॉलन, द मीन इज दैट पॉलन ग्रेन विल ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तब हम कंडीशन को क्या बोलेंगे, सेम फ्लावर, तब हम कंडीशन को क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। एंड ऑटोगैमी रिक्वायर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज बाइसेक्सुअलिटी, एंड बाइसेक्सुअलिटी में क्लिस्टोगैमी एब्सोल्यूट मैकेनिज्म होगी ऑटोगैमी की, और कैस्मोगैमस फ्लावर में तभी ऑटोगैमी होगी जब सिंक्रोनी होगी रिलीज ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में, होमोगैमी होगी, और तब जब स्टिग्मा और एंथर्स एक दूसरे के बहुत क्लोज प्रेजेंट होंगे तब इसमें क्या होगी, तब इसमें क्या हो सकता है, चांसेस ज्यादा हो सकते हैं किसके लिए, ऑटोगैमी के लिए। अदरवाइज द कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर इन कैस्मोगैमस फ्लावर।
इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कब कौन सा पॉलिनेशन ज्यादा चांसेस रखता है अकर होने का, कि कौन सा पॉलिनेशन किस कंडीशन में ज्यादा टेंडेंसी होगी किसके अकरेंस की। फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं एक दूसरी कंडीशन के लिए, एक दूसरी कंडीशन के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं सेल्फ पॉलिनेशन में। तो सेल्फ पॉलिनेशन की एक कंडीशन तो ये हो गई, सेल्फ पॉलिनेशन की एक कंडीशन तो ये हो गई जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। और सेल्फ पॉलिनेशन की एक दूसरी कंडीशन ये हो गई, सेल्फ पॉलिनेशन की एक दूसरी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, तब जब सेम प्लांट सेम फ्लावर हो तो ऑटोगैमी, लेकिन अगर सेम प्लांट है और डिफरेंट है, डिफरेंट है क्या फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए, तब मैं पॉलिनेशन को बोल रहा हूं जीटेनोगैमी, तब मैं इसको क्या बोल रहा हूं जीटेनोगैमी, इसको मैं बोल रहा हूं जीटेनोगैमी। तो पॉलिनेशन दो तरीके का, सेम प्लांट होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन, वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में दो पॉसिबिलिटीज, अगर सेम प्लांट सेम फ्लावर होगा तो ऑटोगैमी, और सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स होंगे तो ज़िटेनोगैमी होगा। क्या होगा ज़िटेनोगैमी, सो द सेम प्लांट सेम फ्लावर विल बी ऑटोगैमी, ये हमने डिटेल में पढ़ा अभी जस्ट, एंड सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स होंगे तो पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे ज़िटेनोगैमी। तो मैं ये कह रहा हूं, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे आप समझ लीजिए कि ये क्या है, एक फ्लोरल एक्सिस है, या कह सकते हैं कोई प्लांट है, एक कोई प्लांट है। यहाँ पे मान लीजिए ये एक फ्लावर है, इसको मैं बोल रहा हूँ स्टेमिनेट और मेल फ्लावर, और यहाँ पे एक दूसरा फ्लावर प्रेजेंट है, ये मान लीजिए एक दूसरा फ्लावर प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ पिस्टिलेट और फीमेल फ्लावर। तो इस मेल फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिसेप्टिव सरफेस यानी स्टिग्मा पे अगर ये पॉलन ग्रेन लैंड कर रहा है तो प्लांट तो क्या हो गया सेम हो गया, लेकिन ये और ये फ्लावर्स क्या हो गए, फ्लावर्स क्या हो गए डिफरेंट हो गए। तो सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर अगर होगा, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर अगर होगा तो मैं इस कंडीशन को क्या बोल रहा हूं ज़िटेनोगैमी, तो मैं इस कंडीशन को क्या बोल रहा हूं ज़िटेनोगैमी, ज़िटेनोगैमी। तो एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि ये जो ऑटोगैमी होगी बाइसेक्सुअलिटी जहां पे होगी क्लिस्टोगैमस कंडीशन के लिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमने आपको बताया था जैसे कि वियोला या कॉमन पैंसी में, ऑक्सैलिस में एंड कॉमेलिना बेंगलेंसिस में, यहां पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट सीड्स सेट प्रोड्यूस होते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। कैस्मोगैमस फ्लावर्स में हमने आपको बताया था जिसमें जिसमें ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जो इंश्योर करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, जैसे कि मैंने आपको बताया था सनफ्लावर, विंका या कैंथरथस, और मीरा विलिस जलापा या फोरोक्लाक प्लांट। तो इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया वियोला कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना बेंगलेंसिस। इसका एग्जांपल हमने आपको बताया कि सनफ्लावर हो सकता है, विंका या कैंथरथस हो सकता है, मीरा विलिस जलापा हो सकता है। अगर आप बात कर रहे हैं किसके ज़िटेनोगैमी की, तो ज़िटेनोगैमी में बात हो रही है एक ही प्लांट, और ऐसा प्लांट जिसमें दोनों ही तरीके के फ्लावर्स हो, स्टेमिनेट एज वेल एज पिस्टिलेट फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, या तो वो स्टेमिनेट होंगे या तो पिस्टिलेट होंगे, लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे। लेकिन ऐसे प्लांट जिनमें यूनिसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट दोनों तरीके के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये इस प्लांट की अगर बात करें तो इसमें स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट दोनों फ्लावर प्रेजेंट हैं, तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं मोनोइसियस प्लांट, इनको हम लोग बोलेंगे मोनोइसियस प्लांट। तो मोनोइसियस प्लांट का बहुत सारा एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जैसे कुकुम्बर हो गया, कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर हो गए, कुकुरबिट्स हो गए, जैसे कोकोनट हो गया, पी हो गया ना, मेज हो गया, कैस्टर हो गया, तो ये सब क्या है, यहाँ पे मोनोइसियस कंडीशन देखने को मिलती है, यहाँ पे क्या कंडीशन देखने को मिलती है मोनोइसियस कंडीशन देखने को मिलती है। तो इतनी सी बात अगर आप समझ गए हो कि पॉलिनेशन में अगर प्लांट सेम है तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट सेम फ्लावर है तो ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन विल टेक प्लेस फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, क्लिस्टोगैमस होनी चाहिए वियोला कॉमन पैंसी वगैरह में, जैसे कि कॉमेलिना बेंगलेंसिस और ऑक्सैलिस में, एंड कैस्मोगैमस फ्लावर प्रेजेंट होना चाहिए, और कैस्मोगैमस फ्लावर में सिंक्रोनी होनी चाहिए, होमोगैमी होनी चाहिए रिलीज ऑफ पॉलन एंड
रिलीज ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में, और यहाँ पे बोथ एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी हो सके। और मैंने आपको बताया कि अगर प्लांट सेम हो, फ्लावर डिफरेंट हो, तो डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट वाली कंडीशन है तो इसको हम लोग बोलेंगे ज़िटेनोगैमी। सो द ज़िटेनोगैमी स्टैंड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तब हम क्या बोलेंगे इसको, ज़िटेनोगैमी बोलेंगे। और ज़िटेनोगैमी किसमें हो रही है, मोनोएसियस प्लांट पे जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है, जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट है, जैसे कि कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स में। तो एक बात आप सोच करके देखिए, हमको आप बताएंगे इसको कि मोनोएसियस प्लांट जो होते हैं उसमें क्या हम ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, मोनोएसियस प्लांट में ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, यस और नो? मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे कि मोनोएसियस प्लांट्स जो हैं उसमें हम क्या ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं आर्टिफिशियली या नेचुरली? अगर ऐसा हो सकता है तो आप कुछ एग्जांपल्स हमको बताइए। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपसे ये कि मोनोएसियस प्लांट में क्या हम ज़िटेनोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? तो अभी सिर्फ मैं आपसे दो क्वेश्चन कन्फ्रंट किया हूं, एक तो हम क्या ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं मोनोएसियस प्लांट में या नहीं, मोनोएसियस प्लांट में अगर ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं तो क्या इसमें ज़िटेनोगैमी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं। इस दोनों क्वेश्चन के आंसर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, यानी कि अगले वीडियो में हम लोग पहले इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि हम ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं किसमें, मोनोएसियस प्लांट में। मोनोएसियस प्लांट में नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली हम ऑटोगैमी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, काफी हद तक ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन आप बताएंगे हमको कि क्या हम इसको इसमें ज़िटेनोगैमी भी प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या मैं इसमें ज़िटेनोगैमी को भी रोक सकता हूं किसमें, मोनोएसियस प्लांट में या नहीं। फिर उसके बाद जब हम ज़िनोगैमी पढ़ेंगे दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, तो वहां पे हम बात करेंगे कौन से प्लांट में ऑटोगैमी को प्रिवेंट किया जा सकता है, किसमें ज़िटेनोगैमी को प्रिवेंट किया जा सकता है, किसमें ज़िनोगैमी को प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट होते हैं क्या जिसमें कुछ स्पेशल प्रोसेस को ही क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, जैसे कि ऑटोगैमी या ज़िटेनोगैमी, लेकिन उसमें ज़िनोगैमी को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन दो क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से सोचेंगे, एक मोनोएसियस प्लांट में क्या ऑटोगैमी को रोक सकते हैं, अगर हाँ तो मोनोएसियस प्लांट में क्या ज़िटेनोगैमी को रोक सकते हैं या नहीं। फिर मैं अगले वीडियो में जब आऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज ज़िनोगैमी।